हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं गोपी तालाब देखने, और अभी हम हैं सूरत में उदना दरवाज़ा के पास में। ये प्लेस का नाम है उदना दरवाज़ा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है गोपी तालाब। तो आपको इस वीडियो में एक्सप्लोर करके दिखाएंगे गोपी तालाब। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में ब्लॉग में एंड तक। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं गोपी तालाब के गेट के सामने, और अभी अंदर चलते हैं। तो चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं अंदर, और पीछे चेकिंग होती है। तो आपके पास अगर गुटखा तंबाकू है तो उसको लेके नहीं जाने देंगे अंदर, और रहेगा तो लोग रख लेंगे। और बैग भी चेक करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अंदर उनका शॉप रहता है, तो वहीं से आप खरीद के खा सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं अंदर। सूरत महानगर पालिका गोपी तालाब। तो यहाँ से टिकट लेना है, टिकट लेके फिर हम लोग चलेंगे। टिकट काउंटर यहीं पे है, और ज़्यादा भीड़ रहेगी तो इसमें लाइन लगाना पड़ता है। तो गाइस, टिकट ले लिए हैं, और 24 रुपये का एक टिकट है, तो दो लोग का 48 रुपये हो गया है। तो अभी अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पे टिकट चेक करा के फिर अंदर चलना है। यहीं से एंट्री है। तो आज है सोमवार, तो सोमवार को अगर आप आते हैं तो 4 बजे ओपन होता है, और 9 बजे बंद हो जाता है। और बाकी का दिन आएंगे तो सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, 9 बजे तक रात को रहता है। तो यहाँ पे सब छोटे छोटे झाड़ बने हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इसमें घूम सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर घूम रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सब हरी हरी पत्तियाँ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, ग्रीन ग्रीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर पूरा मैदान है, पीछे देख सकते हैं, बैठने के लिए है बहुत ही अच्छा। बताइए रोहित, कैसा लगा आके यहाँ पे? कितनी बार आए इसमें? ये भी पहली बार आए हैं, लेकिन सूरत में ही रहते हैं, और हम तो सूरत पहली बार आए हैं, तो इसके अंदर पहली बार आए हैं। तो अभी घूम लेते हैं, फिर आपको तालाब दिखाते हैं कितना बड़ा है। तो सामने देखिए स्लाइडिंग का बना हुआ बच्चों को खेलने के लिए पार्क, गोपी तालाब का पार्क है ये। तो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए स्लाइडिंग का बनाया गया है पार्क के जैसा, तो बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं खेलने के लिए। ये पार्क के सामने आ गए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स है यहाँ पे बनाए गए खेलने के लिए। यहाँ पे देखिए बच्चों को इस पार से उस पार जाने के लिए बनाया गया है, और ये खेलने के लिए है, झूला झूलने के लिए ये है। बेस्ट पार्क है फैमिली बच्चों के लिए। ये रस्सी है चढ़ने के लिए, इस पे ऊपर चढ़ते हैं बच्चे लोग। देखिए रोहित यहाँ पे स्लाइडिंग कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो भाई, मज़ा आ रहा है? ये सब बच्चों के लिए है स्लाइडिंग का, देखिए सब झूला झूल रहे हैं वहाँ पे। तो हमने आपको बच्चों का पार्क दिखा दिया, अभी चल रहे हैं तालाब के पास में, जो गोपी तालाब है। तो हम लोग आ गए हैं तालाब के पास में, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। देखिए पानी कैसा ऊपर जा रहा है,
बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी आपको हम नज़दीक से चल के दिखाएंगे। देखिए हम कहाँ पे आ गए हैं, ऊपर एकदम मस्त फाउंटेन का एंजॉय कर सकते हैं देख के। और इधर देखिए बनाया गया है कितना अच्छा बर्ड। तो देखिए पीछे लिखा हुआ आई लव सूरत, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोटिंग कर रहे हैं। तो भाई देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। अगर आप लोग आ रहे हो तो फोटो जरूर खिंचाएं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फोटो निकाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये पार्क, कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे आपने देखा कितना अच्छा बनाया गया है बर्ड्स। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फोटो निकाले हैं हम और रोहित। तो आप लोग आते हैं तो दो लोग कम से कम आए, फोटो निकालने के लिए अच्छा रहता है। और शाम को थोड़ा आएंगे, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो सूर्य है, देखिए कैसा चमक रहा। फ़ोटो निकालने में मतलब मज़ा नहीं आता, आँख पे रोशनी आती ना, चकचोनी क्या बोलते, लगती है आँखों पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए फूड कोर्ट बना है, फ्रेंकी काउंटर है, कूपन, मैक्सिकन फूड, थाई फूड, लेकिन पब्लिक नहीं इसलिए सब बंद है। खाली दो तीन स्टॉल खुले वहाँ पे। तो प्लेस तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है प्लेस। तो अभी तो कोई फेस्टिवल नहीं है, छुट्टी का दिन रहता तो यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है। वैसे बाकी के दिन में तो आप देख सकते हैं, हम लोग आज आए हैं मंडे को तो कोई पब्लिक नहीं है और पहली बार भी हम आए हैं। फूड कोर्ट के सामने ही बच्चों का खेलने के लिए है, स्लाइडिंग जंपिंग का है। यहाँ पे देखिए कुछ बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए, सिंगल साइड 120, रिटर्न 220 लिखा है टिकट। तो अभी हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे। तो भाई हम लोग पूरा तालाब के चारों तरफ घूम लिए हैं और आके यहाँ पे ग्राउंड है, बैठ गए हैं यहाँ पे हरी हरी घास पर, देख सकते हैं नीचे, दिखाइए घास को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के, बहुत ही शांत माहौल है। आप लोग आना चाहते हैं तो सूरत में आ सकते हैं ये तालाब। तो हम लोग चल रहे हैं बाहर, अभी काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं यहाँ पे। प्लेस तो बहुत बड़ा है, ये गार्डन नेशनल पार्क के समझ लो। तालाब बहुत बड़ा है यहाँ का और चारों तरफ पूरा घूमने की जगह बनी हुई। ये देखो समुंदर कितना बड़ा, अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे, सुकून है पूरा, मस्त टाइम पास। और इधर फाउंटेन है, फाउंटेन दिखाते हैं आपको। वाह कितना सुंदर है, ये देखिए मस्त सीन भी है।
पानी में हवा से उसे पानी चला हुआ है। तो गाइस हमने पूरा घूम लिया पूरा तालाब के चारों तरफ, और यहाँ का फाउंटेन देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं, आगे और कुछ मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पे देवी माता का मंदिर है, देख सकते हैं। जय दुर्गा माता। और उसके बाजू में ही है फ्लावर, देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं, यहाँ पे मस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ी लगी है अंदर जाने के लिए, अंदर कुछ है लेकिन वहाँ पे लॉक लगाया गया है। तो आप एक व्यू देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा बनाया गया है अंदर जाके घूमने के लिए, लेकिन वो अभी इस समय बंद है। तो देवी माता का मंदिर उसके साइड में ही है, और ये सामने बीच में अपना तालाब और फाउंटेन। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर। हाय, चलो। तो यहाँ पे एग्जिट है, हम लोग बाहर चल रहे हैं अभी। हेलो गाइस, तो हमने यहाँ का पूरा घूम लिया गोपी तालाब, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। पब्लिक बहुत कम है लेकिन प्लेस बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए, सुकून है, बैठ सकते हैं कुछ टाइम तक। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।